हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किंग। आज हम आपके लिए लाए हैं देसी घी का सठौरा, जो गांव में जो बच्चा होने के बाद खाया जाता है, वो हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को रख लेते हैं, गैस जला लेते हैं, और गैस जलाने के बाद कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे देसी घी। हम सठौरा बनाएंगे देसी घी में, तो देसी घी ही डालेंगे। तो सबसे पहले हम सारा ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे। ये है बादाम, तो सबसे पहले हम बादाम को ही फ्राई कर लेते हैं। तो बादाम हम डाल देंगे, घी देखिए मेरा गर्म हो गया है, बादाम को डाल देंगे। इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बादाम मेरा हो गया, अब इसे हम निकाल लेंगे एक थाली में। ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। अब इसमें हम डालेंगे काजू को, काजू को भी फ्राई कर लेंगे। तो काजू भी मेरा हो गया, इसे भी हम निकाल लेंगे। गैस की आंच को धीम कर देंगे। गैस की आंच एकदम तेज नहीं रहेगी, मीडियम में नहीं रहेगी, तभी फ्राई करके निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे अखरोट और ये पिस्ता बादाम, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये मेरा हो गया, अब इसे निकाल लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चिरौंजी और किशमिश। तो ये फटाक से हो जाता है, तो इसे हम फटाक से निकाल लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल के गोंद को, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसे भी हम निकाल लेंगे एक थाली में। अब इसमें और देसी घी डाल लेंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे पोस्ता घाना, इसे भी हम भून लेंगे। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, जलेगा नहीं, तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसे हम निकालेंगे। तो ये देखिए ये मेरा हो गया, अब इसे भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसे हम मखाना को भी थोड़ा सा देसी घी ना के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मखाना भी हो गया, इसे भी हम निकाल लेंगे। पहले हम डाल देंगे तेखुर, तेखुर काटा, तेखुर को डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मेरा भुना गया, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी, हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी को भी भून लेंगे हम अच्छे से, धीम आंच पे इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। तो ये देखिए सारा ये सब मेरा फ्राई हो गया है, अच्छे से भुना गया है। अब इसे हम मिक्सर जार में लेके पीस लेंगे, हल्दी को नहीं पीसेंगे हम। और ये सब हम अच्छे से बादाम और काजू को दरबरा हम पीस लेंगे, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। और मखाने को, ये सब को हम ड्राई फ्रूट सारा दरबरा पीस लेंगे, और ये सब एकदम पाउडर बनाना है इसका, तो हम आपको पीसने के बाद दिखाते हैं। तो ये देखिए सारा ड्राई फ्रूट मैंने इसे अच्छे से पीस लिया था, और सारा एक में मैंने मिला दिया है, पीसते समय ही मिला दिया था। तो मैंने ये आपको बताया, इसमें हम ड्राई फ्रूट सारा डाल दिए हैं। तो अब बनाते हैं सठौरा, तो देखिए अब हम इसमें क्या क्या डालते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे पीसी हुई चीनी, और तेखुर को भी मैंने पीस लिया था अच्छे से, तो इसे भी हम डाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, हल्दी को भी मैंने भुना था, इसे भी हम डाल लेंगे। चार चम्मच हल्दी को डाल लेंगे, और ये सोट, सोट को नहीं भुना जाता है, तो इसलिए हम सोट को ऐसे ही डालेंगे। अब ये सबको हम अच्छे से मिला लेंगे, दोनों हाथों की मदद से इसे हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी, इतना डालेंगे कि ये लड्डू बनने लगे मेरा। फिर से इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। अगर घी कम पड़ेगा तो घी को हम फिर से डाल देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, तो इसे हम लड्डू बनाएंगे।
इस तरह हाथों में लेके अच्छे से दबा के लड्डू बनाएंगे हम। तो इस तरह हम हाथों की मदद से दबा दबा के इस तरह का लड्डू बना लेंगे। इसी तरह सारे लड्डू हम बना के रख लेंगे। तो फाइनली मेरा ये सठोरा बन के एकदम रेडी है, और एक बार जरूर बना के ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।